Hello friends, welcome back and welcome to our complete personality development course of 31 days. और इन 31 days में से 12 दिन बीत चुके हैं. मुझे आशा है कि आप सब ने सभी टास्क और जो मैंने कहा उसे फॉलो किया होगा सिर्फ एक एक दिन के लिए. तो आज मतलब आपका कल है डे 13 एंड दैट इज अवर एक्सपीरियंस डे. अब ये एक्सपीरियंस डे क्या होता है, हम क्या करने वाले हैं उसमें, तो चलो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी फंक्शन में, शादी वादी में, फंक्शन में, प्रोग्राम में या किसी पार्टी में जाते हो, डोर से जब आप एंट्री लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो, सोचो. मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले हम एक नजर घुमाते हैं कि हमारे पहचान वाला कोई हमें दिख रहा है या नहीं. ओके? फिर हम उनसे जाके मिलते हैं, उनकी तरफ जाते हैं हम लोग. जैसे ही हमें पता चलता है कि हाँ हमारे पहचान वाला कोई तो यहां है, तो हमें थोड़ा सा सुकून मिलता है, वी आर रिलैक्स्ड. फिर हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने, कैसा लिबास कैसा है उन लोग का. और जब हमें पता चलता है कि हाँ वो भी हमारे जैसे ही ठीक ठाक कपड़े पहन के आए हैं, कुछ अलग किया नहीं है, देन वी गेट मोर रिलैक्स्ड, इजंट इट? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सभी, आप मैं हम सभी, हम लोग एक कोश में रहते हैं, एक ककून में रहते हैं, और हमें आदत पड़ चुकी है पहचान की. हम वही करते हैं, वही हम कंफर्टेबल रहते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस डील करनी हो या कोई चर्चा करनी हो, तो आप अपने घर में, अपने ऑफिस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं बाहर से. यही तो चीज़ होती है कि होम ग्राउंड पे हमेशा क्रिकेट मैच जीती जाती है. जिसका होम ग्राउंड होगा मोस्टली वो जीतता है. क्यों? क्योंकि वो उसका अपना ग्राउंड होता है, उसका अपना माहौल होता है, और उसमें वो कंफर्टेबल रहता है. और ये कंफर्ट जोन जो होता है, ये जो कंफर्ट होता है, वो हमारी आदत होती है. आदत मतलब, अब आप देखिए, सपोज कि अब तक या लास्ट सेवन डेज नहीं, ये कोर्स शुरू करने से पहले के 7 दिन, अगर सपोज किसी ने वो रिकॉर्ड कर लिए, आपका लाइफ पूरा रिकॉर्ड कर लिया है, सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक, और वो अगर आपको एक सीरियल जैसा दिखाया, तो क्या आप देखना पसंद करेंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं. वो सातों दिन आप वही रूटीन फॉलो कर रहे हो जहां आप कंफर्टेबल हो. मतलब आप वैसे ही उठते हो, उसी तरह से ब्रेकफास्ट लेते हो, उसी तरह से बाहर निकलते हो. और बहुत सारे लोग तो मैंने देखे हैं कि सालों साल वो एक ही टाइम की ट्रेन या बस पकड़ते हैं. सेम टाइम सेम बस. बस में या ट्रेन में जो लोग आसपास उनके रहते हैं, वो भी उनके पहचान, मतलब गपशप करने के लिए नहीं, लेकिन रोज देखे हुए लोग रहते हैं, राइट? फिर वही ऑफिस में जाते हैं, वही कलीग्स, वही काम करते हैं, वैसा ही काम करते हैं मोस्ट ऑफ अस. कुछ लोगों की जिंदगी डेफिनेटली अलग होगी जो आउटसाइड वर्क करते हैं, आउटडोर करते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, सेल्स में है, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ अलग अलग घटता रहता है. लेकिन हम, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी जनरली ऐसे ही चलती है. और आप मानेंगे नहीं कि छुट्टियों का भी हमारा एक रूटीन होता है. जैसे संडे है तो चलो आज फिल्म देखने जाए, लेकिन आप वैसे ही मॉल में जाओगे, मल्टीप्लेक्स में, जहां आपके पहचान वाला एटमॉस्फेयर है. मे बी मॉल दूसरा हो, थिएटर दूसरा हो, लेकिन आप वैसे ही जाते. क्यों? क्योंकि आपको वहां रिलैक्स होता है, आप वहां पे सेफ महसूस करते हो. देखिए, मल्टीप्लेक्स आने से पहले हमारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते थे, लेकिन आजकल, और हम लोग सभी उन्हीं थिएटर्स में जाके फिल्म्स देखते थे. लेकिन अगर आजकल आप देखोगे तो लोग बोलते हैं, नहीं यार वहां अच्छा पब्लिक नहीं आता. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप भी तो उन्हीं बुरे पब्लिकों से हो जो पहले वहां जाते थे. लेकिन वो आपका कंफर्ट जोन बदल चुका है अभी. नाउ यू आर इन अ डिफरेंट कंफर्ट जोन. तो यही होता है हमारे जिंदगी के साथ.
हमेशा हर वक्त। एंड इजंट इट दिस लाइफ बोरिंग? अगर आप खुद आपकी रोजमर्रा के 7 दिन देखना नहीं चाहते तो इट्स अ बोरिंग लाइफ, इजंट इट? तो आज ये हमारा जो एक्सपीरियंस डे है वो एक्सपीरियंस डे है टेक न्यू एक्सपीरियंस, कुछ नया नया एक्सपीरियंस लेना है आपको, इजंट इट? फॉर एग्जाम्पल आप कैसे कर सकते हैं इसको? अगर आप एक ही रूट से घर से निकलकर बस स्टॉप तक या स्टेशन तक या कहीं जाते हो या मार्केट के लिए एक ही रास्ता पकड़ते हैं हम लोग हमेशा, तो आप वो नहीं करेंगे, यू आर गोइंग टू टेक सम डिफरेंट रूट, दूसरा रास्ता पकड़ेंगे आप। मतलब हर वो चीज कल आपके जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं रिलेटिव्स और ये सब की बात नहीं कर रहा हूं, घर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि नए नए लोग आके बिठाओ घर पे, नो नॉट लाइक दैट। अगर आप आदी हो कि रोज ऑफिस में एक फॉर्मल शर्ट पहनने के, तो बदल दो उसको, कुछ अलग पहन के जाओ, अलग शर्ट पहन के जाओ, इजंट इट? कुछ अलग करो, न्यू एक्सपीरियंस। तो आपका जो माइंड है वो नए एक्सपीरियंस को ट्रेन होता जाएगा। रात को अगर आपको आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने के लिए जाने की आदत रहेगी तो रात को आप सपोज 10-11 बजे अगर निकलते हो तो आपके रूटीन रास्ते से जाते हो वहां पर, भले दूसरा एक शॉर्टकट है लेकिन आप वहां से नहीं जाते। क्यों? बिकॉज योर माइंड फील, योर माइंड इमीजिएटली सेज दैट दिस इज नॉट नोन टू मी, दिस इज समथिंग डिफरेंट, और वो आपको रोक देता है वहां पर। एक्शन इन एक्शन। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ट्रेन में जाते हो, रोज देखने में जिन लोगों को हम रोज देखते हैं वैसे लोग रहते हैं, शायद आप स्माइल देते हो लेकिन क्या आप कभी जाके उनसे बात की है आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बोलता है रुको। व्हाई? अगर वो नहीं बोला तो, उसने अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हमारा माइंड जो होता है या हमारी बॉडी जो होती है वो हमेशा किसी नए चीज के लिए आपको रोक देती है। और यही जो रोक है, यही रोक, या फिर आप बोलते हैं कि बाद में मिलूंगा, बाद में करेंगे, इजंट इट? आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सा अच्छा नया शोरूम है, तो क्या आप इमीडिएटली अंदर जाके देखते हो? बहुत बहुत दिनों से आपको एक नया शर्ट या नई वॉच लेनी है तो आप जाके देखते हो? नहीं। आपका, क्योंकि वो कुछ नया है तो आपका माइंड आपको रोकता है वहां पर। फिर वो रीजंस क्या देता है? अरे यार ये तो बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत एसी वीसी लग रहा है, बहुत पॉश लग रहा है, सब कुछ महंगा होगा यहाँ, और हम वहां पे नहीं जाते या फिर पोस्टपोन कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द इनएक्शन। आप एक्शन नहीं ले रहे हो, लेना चाह रहे हो, आप एक अंतर्मन आपका कह रहा है कि जाओ और एक्सपीरियंस लो, लेकिन दूसरा कह रहा है कि नहीं रुको, ये तुम्हारे लिए फैमिलियर नहीं है। वाई टू गो देयर, वाई टू टेक न्यू एक्सपीरियंस? यही होता है हम सबके साथ। तो और मैं माइंड की बात कर रहा हूं, तो आप बोल रहे हो कि मैंने पहला सेंटेंस यूज किया कि आपका माइंड बोल रहा है कि अरे नया एक्सपीरियंस है ले लो, और दूसरा माइंड बोल रहा है कि नहीं मत जाओ। अरे माइंड तो एक है। नहीं, हमारे मन एक नहीं होते। भारतीय प्राचीन शास्त्रों के अनुसार हमारे 7 मन होते हैं। एक हमारा बाह्य मन होता है, जागृत मन जिसे हम लोग कहते हैं, जब आंख सुबह से जब आंख खुलती है तभी ये मन जागृत होता है, रात को सोने के बाद वो बंद हो जाता है। लेकिन हमारे अंतर्मन, अनेक लेवल्स के अंतर्मन होते हैं, और उस अंतर्मन का आधिपत्य जो है वो हमारे अच्छे के लिए चलता है हमेशा। आपको जब इंट्यूशंस होते हैं कि आपको लगता है नहीं नहीं आज नहीं जाना चाहिए, नहीं, आज छाता लेके जाना चाहिए, बारिश आएगी, ये आपका अंतर्मन कहता है। लेकिन आपका बाह्य मन जो है, सबसे बाहर वाला मन जो है वो हमेशा आपको रोकता है, क्योंकि ये मन बहुत आलसी होता है, बहुत आलसी, और उसे कुछ नया नहीं चाहिए, तो ये आपको हमेशा टोकता रहता है। तो कल के दिन में आपको आपके अंतर्मन की आवाज को सुनना है। और अगर मैं बोलूंगा ये तो बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल शब्द लगता है या सेंटेंस लगता है, अंतर मन की आवाज सुनो, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, डू
एवरीथिंग न्यू, ऑल न्यू एक्सपीरियंसेस। अगर आप एक फॉर्मल रूटीन के आदि हो ड्रेसअप में, तो कुछ अलग करके जाओ। ऑफ कोर्स आप देखो कि आपके ऑफिस में कुछ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म तो नहीं है ना, नहीं तो आप कुछ अलग पहन के जाओगे। और अगर पहन के जाओगे भी यूनिफॉर्म होने के बाद भी, तो क्या होगा? सब लोग पूछेंगे ना, अरे आज क्या हुआ, आज नया क्या है? तो आप कह सकते हो कुछ भी, अरे सब सब यूनिफॉर्म मेरे गए धुले लॉन्ड्री में गए। तो आपको तो कोई फांसी चढ़ाने वाला तो है नहीं। अगर औरतें हैं वो रोज चूड़ीदार कुर्ता पहन के फॉर्मल एक नॉर्मल लुक में जा रही है ऑफिस में, और आज अचानक एक बहुत अच्छी सेरेमोनियल साड़ी पहन के गई, तो क्या होने वाला है? सिर्फ सब फ्रेंड्स पूछेंगे ना, अरे बाबा क्या है, किसी की शादी वादी है क्या? कह सकते हो हाँ मुझे जाना है फंक्शन में, यहीं यहीं से मैं जाने वाली हूँ। सो यहीं से शुरुआत करो, यहीं से शुरुआत करो। रोज अगर आपको गर्म पानी से नहाने की आदत है, ठंडे पानी से नहाओ। रोज अगर आपको कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट खाने की आदत है, चेंज दैट। तो ये चीज आपको दिन भर करनी है आपके हर एक काम में। अगर आप बहुत दिन से एक दुकान के पास से जाते आते हो, अरे इस यहाँ जाके कभी देखना चाहिए, तो जाओ आज वो एक्सपीरियंस ले लो। यू हैव टू टेक द न्यू एक्सपीरियंस जस्ट फॉर वन डे। ये सभी चीज़ें हम एक एक दिन के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके बाह्य मन को ट्रेन कर देगा। जब 6 महीने अगले आप यही 30 डेज रिपीट 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 करोगे, तब ये सब आपकी आदत बन चुकी होगी। और ये आदतें क्या है? दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट द वैल्यूएबल पॉइंट्स ऑफ योर स्ट्रांग पॉजिटिव पर्सनैलिटी। सो फ्रेंड्स, टुमारो विल बी योर न्यू एक्सपीरियंस डे। और आप सुबह से लेके रात तक नए नए एक्सपीरियंस लोगे। मतलब क्रिया वही रहेगी, लेकिन एक्सपीरियंस अलग रहेगा, रूट्स अलग रहेंगे। इसमें मैं आपको कुछ हिंट तो मैंने दे दी कि आपके ड्रेसिंग स्टाइल, आपका जाने आने का रास्ता, बस टैक्सी से आप कैसे जाते हो, अगर आप रोज कार से जाते हो तो आज ट्रेन से जाओ, आज बस से जाओ। जस्ट फॉर वन डे, वन डे यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। अगर लंच टाइम में आप किसी पर्टिकुलर ऑफिस कैंटीन या रेस्टोरेंट में खाते हो, तो दूसरी जगह पे जाओ। ओके? तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। ओके? घर आके आप क्या करते हो, तो वो भी आपको चेंज करना है। अगर रास्ते में आते जाते अगर कुछ काम ऐसा होगा कि जो आपने बहुत लंबे समय तक प्रोक्रेस्टिनेट किया है, कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा, तो आपको करना। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि, और इससे इससे क्या होता है कि आपका माइंड बहुत ओपन अप होता है। नए एक्सपीरियंस या नया कुछ करने का डर आपके मन से निकल जाता है, और आपका बाह्य मन हर तरह की नया एक्सपीरियंस लेने के लिए आदि हो जाता है, ट्रेन हो जाता है। मैं मेरा खुद एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि मुझे पेंटिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में मैं कई बार जाता हूँ पेंटिंग्स देखने के लिए। और जहांगीर आर्ट गैलरी में ही एक रेस्टोरेंट है बहुत ही फेमस, शायद अभी वो बंद हो चुका है, सैमोवर करके एक रेस्टोरेंट है। वो रेस्टोरेंट का माहौल ही कुछ अजीब था। मतलब वेरी, बहुत आप कंफर्टेबल फील करोगे, लेकिन वो बहुत हाईफाई रेस्टोरेंट है ऐसा बाहर से लगता था। मैं जहांगीर आर्ट गैलरी में इतनी बार जा चुका हूँ, लेकिन हर बार जब मैं बोलता हूँ कि चलो सैमोवर में जाते हैं, तो बहुत बार मैं अकेला ही होता हूँ, तो बोला नहीं 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 यार नहीं, कुछ अलग एक्सपीरियंस है। तो मेरा मन ही नहीं करता था वो एक्सपीरियंस लेने के लिए। लेकिन जब मैंने ये कोर्स का एक दिन, जब मैं एक्सपीरियंस डे जब मेरा था, तब मैं जानबूझकर सैमोवर के अंदर गया, वहीं पे खाना खाया, ड्रिंक्स वगैरह लिए, और मुझे इतना अच्छा लगा। और मैं सोच रहा था, अरे इतने साल मैं यहाँ क्यों नहीं आ रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मुझे रोक के रखा था यहाँ आने के लिए? तो दिस इज वॉट विल हैपन। बहुत बार ऐसा होता है कि, दूसरी एक केस मैं आपको बताता हूँ कि सपोज बचपन में, पता है स्कूल जाने के टाइम हम लोग वो कुल्फी लेके खाते थे, जिसको एक स्टिक लगी है 50 पैसा 1 रुपए वाली, वो कुल्फी लेके खाते थे। यही दिन में जब मेरा एक्सपीरियंस डे था, तब मेरे जो ऑफिस का जो रास्ता था स्टूडियो का, वहाँ पर एक कुल्फी वाला बैठता था। उसी प्रकार के भैया जी थे, वो ब्लू कलर का बक्सा लेके बैठते थे, और
मुझे रोज मन करता था कि बचपन के दिन याद आते थे कैसे स्कूल में हम लोग खाते थे कि ये खाना चाहिए, लेकिन मैं आज आजू बाजू में देखता था, बोला अरे यार हमने खाया तो लोग क्या कहेंगे। ये एक बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोग क्या कहेंगे। तो बहुत दिन ऐसे गए कि मैंने कभी खाया नहीं वहाँ खड़े रह के, वो मुझे बहुत लो क्लास जैसा लगा खाने का। तो वो मेरा एक्सपीरियंस डे नहीं था, मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ में था। एक बार ऐसे तो हम लोग जा रहे थे, तो मैं वो भैया जी की तरफ देख रहा था ऐसे ही, तो उसने मुझे पूछा, स्कूल के दिन याद आ गए ना, मैंने बोला हाँ, बोले चल खाते। तो मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मुझे मेरी तरफ देखा, और फिर अचानक वो बोल पड़ा, भाड़ में गए लोग, चलो खाते हैं। और हम लोग जाके कम से कम पाँच पाँच छः छः खा गए वहाँ। और आप यकीन नहीं करोगे कि वहाँ हमारे साथ और भी लोग आके खाने लगे। मतलब कितने लोगों को ये समाज का डर था अपनी खुद के मन की बात करने के लिए, जो वो नहीं कर रहे थे वही उन्होंने किया। मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हम कैसे अपने एक कोश में रहते हैं, कंफर्ट जोन में। एक शादी में हम लोग गए थे और बहुत ही बड़ा ग्राउंड था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेडिंग थी, वो बहुत रिच क्लास की वेडिंग थी। हमारे घर के छोटे छोटे दो तीन बच्चे भी थे हमारे साथ में, फैमिली गए थे सब। तो वहाँ उस ग्राउंड में थी, ग्राउंड में रिसेप्शन ग्राउंड में था, बहुत बड़ा ग्राउंड हायर किया था। तो ग्राउंड के बाहर जो गेट था, वहाँ फुटपाथ पे एक गुब्बारे बेचने वाला, आपको पता है पुराने ज़माने में एक हाथ में एक डंडी लेके, उसको हॉरिजॉन्टल डंडियाँ रहती थी और उसके पास गुब्बारे, कुछ बजाने की सीटियाँ और ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के गॉगल्स वगैरह वो सब होते थे, वॉचेस बिचेस वो सब होते थे। वैसा एक आदमी वहाँ पर खड़ा था। और क्या हुआ कि हमारे घर के जो दो छोटे बच्चे थे, उन लोगों ने कहा कि हमें वो गॉगल चाहिए, प्लास्टिक का गॉगल चाहिए, हरे रंग का, रेड ग्लास वाला, रेड प्लास्टिक की ग्लास वाला गॉगल चाहिए। तो मेरी मम्मी या जब औरतें थी, उन्होंने बोला नहीं 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 ये क्या, तुमको क्या पता है क्या हम लोग कहाँ आए हैं और तुम क्या कर रहे हो, देखो ज़रा आजू बाजू में। तो लेकिन मेरे डैडी जो थे वो उनका मतलब मानना ये था कि छोटे बच्चों को कभी रुलाना नहीं चाहिए, उन्हें जो चाहिए वो दे दो। तो मेरी माँ की बातें न सुनते हुए चुपचाप मेरे डैडी वो दोनों को लेके गए बाहर, और उन्होंने एक एक प्लास्टिक की घड़ी और एक प्लास्टिक का गॉगल ले लिया, और हाथ में वो चक्री जो होती है कागज़ की, वो चक्री। तो और वो इतने खुश, बच्चे तो बहुत खुश हो गए, मतलब बहुत ही खुश हो गए वो, और वो सब लेके ऐसे घूम रहे थे। तो मेरी मम्मी और आंटी इतनी भड़क गई मेरे डैडी पर कि आपको कुछ अकल विकल है कि नहीं, कुछ पता है कि नहीं, ये क्या, देखो हम लोग कहाँ आए और आप क्या कर रहे हो ये बच्चे। तो डैडी ने कहा जाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है हमें, वो खुश है ना बच्चे, और हमें भी थोड़ी सी शर्म आने लगी ऐसा ऐसा। लेकिन आधे पौने घंटे के बाद मैंने देखा वहाँ से कम 15-20 बच्चों के हाथ में वैसा ही चक्री, गॉगल और वॉच था। वो जाके आए थे, हर पेरेंट्स को ये लगता था कि कैसे हम लोग, कैसा कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जैसे हम लोग ने किया, उन बच्चों ने भी जिद करके बाहर जाके सब लेके आए। तो ये जो लोग क्या कहेंगे सिस्टम है हमारे समाज की, उसे आप एक दिन के लिए भूल जाएंगे और आप वही करेंगे जो आप क्या कहते हो, आपको क्या चाहिए, आपके अंतर्मन को क्या चाहिए। आपके अंतर्मन ने आज तक, या बाह्य मन ने आज तक जिन जिन बातों के लिए आपको रोक के रखा था, वो चीज़ें आपको करनी है एज अ न्यू एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑफिस में मत जाओ और ये एक्सपीरियंस के लिए घूमो, हाँ अगर आप वैसा कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। लेकिन ये कोर्स ऐसा है कि हम हमारा रूटीन नहीं तोड़ने वाले हैं, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका एक्सपीरियंस डे, रादर आई शुड राइट इट एज अ न्यू एक्सपीरियंस डे। ये न्यू एक्सपीरियंस डे होने वाला है आपका, इजंट इट? और अब आप जब घर आओगे तब क्या करोगे, आप जब घर आओगे तब आपको ठंडे दिमाग से सोचना है कि आप कौन कौन से न्यू एक्सपीरियंस आपने लिए और आपको कैसा लगा। और फिर आपके रजिस्टर में जो नोटबुक है उसमें एक लिस्ट बनाइए
कि ऐसे और कौन-कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जो आज तक आपने नहीं लिए और जो लेना चाहते थे लेकिन पोस्टपोन कर रहे थे। तो इसकी एक लिस्ट आप बनाएंगे ताकि जब नेक्स्ट सेशन में आपका फिर से जब एक्सपीरियंस डे आएगा तब आपको मतलब याद नहीं करना पड़ेगा वापस, आपके पास लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और आपके दिमाग में वो बैठा हुआ है कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ। ऑल दोज थिंग्स विल बी नोटेड डाउन। सो माई एक्सपीरियंस डे वॉज फैबुलस, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब देखते हैं आपको ये एक्सपीरियंस डे कैसा लगता है। सो फ्रेंड्स, हैप्पी एक्सपीरियंस डे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।